सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के स्पष्ट फैसले के बावजूद दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच छिड़ी रार कम होने का नाम नहीं ले रही। केजरीवाल सरकार के अधिकारियों को दिए आदेश को सर्विसेज डिपार्टमेंट ने मानने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल सरकार ने कल ही सर्विसेज डिपार्टमेंट को आदेश दिए थे कि अब अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अधीन होगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक अब मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने खुद लिखित जवाब देते हुए सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। मनीष सिसोदिया के मुताबिक अधिकारियों का ऐसा करना सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। मनीष सिसोदिया ने साफ कहा है कि अधिकारियों के इस रुख से दिल्ली में प्रशासन चलाना मुमकिन नहीं है। सर्विस डिपार्टमेंट इसके बाद सर्विस सेक्टर सर्विस का जो सब्जेक्ट है कल के आदेश के बाद सर्विस सब्जेक्ट का केंद्र सरकार के पास होने का कोई दूर दूर तक कहीं गुंजाइश नहीं बचती है। उसके बावजूद ऑफिसर्स अगर ये कह रहे हैं कि हम MHA के आदेश का क्वेश्चन नहीं हुआ है इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे तो ये तो खुलेआम अवमानना है। केजरीवाल सरकार मामले में कानूनी जानकारों से राय भी ले रही है। संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि सर्विसेज डिपार्टमेंट के सरकार के आदेश न मानने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि कोर्ट के आदेश का सभी पक्षों को सम्मान करना चाहिए जिससे कि दिल्ली के विकास का काम किया जा सके। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड इन तीन के ऊपर LG साहब का कंट्रोल है और बाकी सारी चीज़ों पे दिल्ली सरकार की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। तो मैं सभी जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं सबसे अपील करना चाहता हूँ निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए इसके लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में घट रही घटनाक्रम पर राजनिवास बिल्कुल चुप है। खैर अभी दिल्ली में सर्विस डिपार्टमेंट पर अधिकारों पर छिड़ी नई बहस राजनीतिक पारे को बढ़ाए रखेगी। तरुण कालरा टोटल न्यूज़ दिल्ली।